हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे होममेड क्रीम। ये क्रीम आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाती है। वैसे तो इस क्रीम को आप हाथ पैर कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए बहुत ही फायदेमंद क्रीम है। ये क्रीम जाड़े में भी आपकी त्वचा को फटने से बचाती है। इस क्रीम में हम ग्लिसरीन डालते हैं। बहुत से लोगों को ग्लिसरीन पसंद नहीं है, उसकी चिपचिपाहट पसंद नहीं आती है, तो उसकी जगह आप बादाम तेल की मात्रा बढ़ा लें, ग्लिसरीन को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ग्लिसरीन ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप जिस भी चम्मच, जितनी भी क्वांटिटी में क्रीम बनाना चाहें, उस चम्मच का, उतने बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम दिखाने के लिए टीस्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टीस्पून गुलाब जल लेंगे और 10-15 धागे केसर के। गुलाब जल में ये केसर के धागे को मिक्स कर देंगे। दो टीस्पून एलोवेरा जेल, ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल, और 1 टीस्पून ग्लिसरीन। वन टीस्पून बादाम का तेल। आप इसी समय बादाम का तेल ज़्यादा, इसकी क्वांटिटी डबल करके ग्लिसरीन हटा सकते हैं, लेकिन ग्लिसरीन ठंड में डालेंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 2 क्यूब्स ये विटामिन ई के कैप्सूल है, इसको कट करके इसमें डालेंगे। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये हमारे रिंकल्स को कवर करती है। इस तरह से दोनों क्यूब्स अब मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते ये देखिए हमारी क्रीम तैयार है। ये क्रीम हल्के पीले कलर की तैयार, बन के तैयार होगी। अगर आप केसर के धागे बढ़ा देंगे तो ज़्यादा डार्क येलो कलर आ जाएगा। वैसे भी कुछ देर बाद, आधा घंटा बाद, इसका कलर हल्का सा और डार्क होगा। होममेड क्रीम तैयार है। आप थोड़ी क्वांटिटी में एक बार बना के देख सकते हैं, अगर आपकी स्किन को सूट करे तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जितनी भी चीज़ें हम डाले हैं तो उसकी एक्सपायरिंग डेट ज़रूर ध्यान में रख के तभी ही क्रीम बनाएं। तो लीजिए, हमारी यहाँ पे होममेड क्रीम तैयार है। आप कोई भी कांच की, कोई भी बड़ी छोटी डिब्बी में आप इस तरह से क्रीम को स्टोर करके रख